चल अच्छा हुआ सामने चला गया, इधर आता तो दिक्कत हो जाती सबको। इतना अच्छा मूड करके आया था ऑफिस से, अब धोने हैं मेरे को कपड़े। वेल कोई बात नहीं, आगे से कोशिश करूंगा मैं जरूर, तो उसको पापा की परी बना देता मैं। लेट की तो ना मैं सीमा पार कर देता हूँ सैलून से, अभी 12 बजने वाले, पूरे 12 बजने वाले और अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। अब 12:30-1 बजे तक पहुँचूंगा और क्लाइंट वेट कर रहे हैं बैठ के मेरे 2-3, पर मैं सो के उठा 11:30 बजे। और ये आ गई अपनी सुंदर सी कैटरीना। अब इसका मेंटेन बहुत ज़्यादा हो गया है, इसकी सफाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये छींटे देख रहे हो यहाँ पे, कल इतनी खतरनाक आई थी ना मेरे ऊपर, मैं बता नहीं सकता, बट वही है, किया है तो भुगतना पड़ेगा, तो भुगत रहे हैं अभी। इसको साफ़ करते हैं उसके बाद में। गाइस देख रहे हो इसके छींटे किस कदर आई हुई है यहाँ तक। अब बस जल्दी से निकल जाओ यहाँ से और जल्दी से पहुँचता हूँ मैं, मिलता हूँ बाइक के। आप इसकी आवाज़ सुन के ना एकदम जान में जान आ जाती है, जैसे स्टार्ट होती है। ओ मेरे भाई यू के आ गया, चल अच्छा हुआ सामने चला गया, इधर आता तो दिक्कत हो जाती सबको। सो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग, आई होप सब बढ़िया होंगे। और आज के दिन की शुरुआत हम यहीं से करते हैं, शुरुआत तो पहले ही हो गई, पर ऊपर वाले से दुआ करते हैं अच्छे से जाएं, अच्छे से आएं। हटेंगे नहीं भाई साहब, ये हटेंगे नहीं, ये रेड लाइट पे भी घुसने वाले हैं। दो मिनट में पता नहीं कौन सी दुनिया पे चले जाएंगे। वेल आज मैं बताऊँ ना आपको, तो आज थोड़ा सा मूड ख़राब है मेरा, और वो क्यों, वो इसलिए कि रात को वीडियो एडिट करते करते थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था, थोड़ा ज़्यादा लेट सोया था मैं, और सुबह रिहान भाई आए थे उठाने के लिए, तो मैं उन पे गुस्सा कर गया। उन्होंने बोला 10:30 या 11 बोला था, पता नहीं कितना बोला, तो मैं उन पे गुस्सा कर गया था। फिर उसके बाद फिर सो गया और फिर उठाने आए दोबारा, फिर बोला कि 11:30 बज गए हैं, अब तो उठ जा। मैं फिर मुंह सड़ा के उठा अपना, और बाद में मेरे को फील हुआ बहुत ज़्यादा बुरा कि क्या ही गुस्सा कर दिया मैं यार किस बंदे पे, बहुत ज़्यादा बुरा लगा था बाद में। बट वो ये ना कि नींद में पता नहीं चलता है किस पे क्या बोले जा रहे हो, क्या कर रहे हो, पर बाद में बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था कि यार गलत बोल गया मैं। इतनी प्यार से जगाने आ रहा है तुम्हें, टाइम दिखाने आ रहा है कि तुम टाइम से भटक रहे हो, मत सो राह पे चलो, गुस्सा कर जाते हैं और फिर वो सामने वाला हर्ट हो गया तो फिर हो गया। वेल कोई बात नहीं, आगे से कोशिश करूँगा मैं ज़रूर उठने की एक बार में, वैसे ऐसी नौबत ना आए तभी ठीक है। और उनका मूड तो वैसे ही ख़राब है, सदियाँ हो गई मैंने चालान नहीं भरा, अब आज राखी का दिन है, 31 है ना आज, हाँ आज राखी है, छुट्टी शायद हो आज कोर्ट की। आज इतने दिन बाद कैटरीना को लेके आऊँगा गिर गर्दन घाट, बहुत दिन हो गए कैटरीना तेरे को गिर गर्दन घाट नहीं घुमाया है, आ जा। क्या बात है, पूरा लॉक लगा दे। और टाइम अराउंड 12:30 बज गए होंगे आई थिंक, और क्लाइंट वेट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। चलो गाइस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कैटरीना और नज़रों में है तो कैमरे के। हेलो गाइस, तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का, और अभी चमत्कार कर गई एक लड़की मेरे साथ, कोई पापा की परी थी, रेड लाइट पे ठोक गई यार मेरे को, वो तो बच गया, नशे में चल रही थी पता नहीं क्या, और ऐसे टाइम पे कैमरा भी बंद रहता है, तो उसको पापा की परी बना देता मैं। अभी मेरा मन कर रहा है इसको थोड़ा सा भगा दूं मैं इस रूट पे। ये देख रहे हो गैंग आजकल बहुत ज़्यादा मिल रही है यहाँ पे, कुत्तों की गैंग एकदम भर के, दो तीन दिन से मिल रही है। अरे क्यों भाग रही हो, कुत्ते की वजह से वो भी भाग के आ रही है गाड़ी के साथ में बच्ची। फाइनली पहुंच गए हैं हम। अरे आज तो रिहान भाई नहीं है, बसंती नहीं दिख रही है। इतना अच्छा मूड करके आया था ऑफिस से, अब धोने हैं मेरे को कपड़े, सुबह तो वॉशिंग में डाल गया था जल्दी जल्दी में, तो ये तो पड़े हैं सूख रहे हैं अभी, इनके ऊपर से मैंने थोड़ा कचरा फेंक दिया है, मतलब
सब कुछ बैग वैग सब हटा दूंगा अभी हटा दूंगा मैं सब कुछ। बस ठीक है, अभी और बाल्टी में पड़े हैं, मैंने अभी बाल्टी में डाल दिए सफ़ेद कपड़े, तो वो हाथ से धोने पड़ेंगे। कपड़े धुल चुके हैं, यहाँ पे डाल दिए सूखने के लिए, क्योंकि पता क्या है, वाइट कपड़े हैं, बाहर डालूंगा तो गंदे हो जाएंगे, थोड़े से भी गंदे हो गए ना दिक्कत हो जाएगी मेरे को। वाइट कपड़े हो ना हाथ से धो, सबसे बढ़िया और अच्छे तरीके से धुलते हैं, मज़ा आ जाएगा, खुशी आती है अंदर से जब पहनो ना, एक अच्छा सा फील होता है। हैंकर तो मैं हाथ से ही धोता हूँ, वाइट कपड़े जितने भी हैं हाथ से ही धोता हूँ मैं, चाहे पैंट हो चाहे शर्ट हो कुछ भी हो, रात भर पंखा चलेगा आराम से सूखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे अभी है भी नहीं कोई बैठने या लेटने वाला, मैं सिर्फ वहाँ पे बैठ के काम करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज थोड़ा थक गया, हाथ में दर्द होने लग गया थोड़ा सा। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।